पवन अरु के लंदन से कई सारे वीडियो सामने आ चुके हैं जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। एक वीडियो में अरु कई सारे लोगों के बीच में गाना गाती देखी गई। उनके चारों तरफ कई सारे म्यूजिशियन रखे और बीच में अरुणिता एक्सप्रेशन के साथ घूम घूम कर गाना गा रही है और पीछे से पवन उन्हें प्यार भरी नजरों से देख भी रहे हैं। वही उनके मंजूर दिल गाने का एक बिहाइंड वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि पवन के हाथ से अरु का हाथ छूट जाता है और वो पीछे की तरफ गिरते गिरते बचती है। ये सब तब होता है जब अरुणिता पवन ऑक्टोपस स्टूडियो में मंजूर दिल गाने की डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अरुणिता और पवन दोनों शादी के कॉस्ट्यूम में नजर आते हैं। अरु पवन एक दूसरे को गले लगाकर खूब हंसी ठहाके लगाते हैं। वहीं एक इंटरव्यू में पवन से पूछा गया कि अरु के लिए आप कौन सा गाना गाएंगे तो पवन अरु को डेडिकेट करते हुए कहते हैं कि दिल तेरे बिन धड़के ना गाना गाया है, जिस पर अरु खूब हंसते हैं, माथे पर हाथ रखकर शर्माती है अरुणिता। और अरु पवन का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दोनों ऑक्टोपस स्टूडियो में दिल खुश कर देने वाला डांस करते हैं। फिलहाल तो लंदन से इनके जल्द ही धमाकेदार वीडियो सामने आने वाले हैं जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। गाने के बहाने पवन अरु की बॉन्डिंग और मजबूत होती जा रही है। भले ही इनकी नजर में इनका ये रिश्ता दोस्ती का हो और लोगों की नजरों में इनका रिश्ता प्यार हो या जो भी हो, ये रिश्ता तो बहुत खास है। लोगों को इनकी बॉन्डिंग बहुत पसंद आ रही है। एक बार फिर से ये जोड़ी क्लोज होती नजर आई जब ये बाहर लंदन इवेंट के लिए गए थे। जी हाँ, लंदन से इनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें दोनों बहुत नजदीक होते नजर आए। दरअसल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लंदन ट्रिप ने इन्हें और भी क्लोज कर दिया है। जी हाँ, लंदन से इनकी एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में पवन अरु बिल्कुल पास पास बैठे रोमांटिक गाना गा रहे हैं। अरु गाने के बहाने बार बार पवन को निहार रही है, हल्की मुस्कान के साथ देख रही है, लेकिन पवन की नजरें नीचे ही झुकी हैं और वो नीचे फोन पर ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, फोन में वो पियानो भी बजा रहे हैं और पियानो पर नोने और अरु ने रोमांटिक गाना गाया। इनके साथ साइली और दानिश भी नजर आए। ये दोनों भी इनका सपोर्ट करते नजर आते हैं और इनके साथ गाना गाते हैं। फैंस अरु का ये प्यार रोमांस खूब पसंद कर रहे हैं। इनकी ये वीडियो ने फैंस के दिलों में घंटी बजा दी है और एक बार फिर से लोग पूछने लगे कि क्या वाकई में अभी भी ये दोनों दोस्त ही बताते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये दोस्ती है या फिर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है? पवन अरु का चोरी छिपकर प्यार रोमांस अब साइली कामले ने भी देख लिया और उन्होंने अपने फैंस को बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाया। जी हाँ, जब आप पवन अरु के प्यार का ये सबूत देखेंगे तो यकीन कर पाएंगे कि पवन अरु एक दूसरे के लिए क्या है। दरअसल साइली ने अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शूट करके डाले हैं उसमें वो सब कुछ दिख गया जो पवन अरु के फैंस अब तक देखना चाहते थे। दरअसल वीडियो में आप देखेंगे कि पवन ने साइली का फोन बड़े ही प्यार से कब्जा कर लिया। वैसे तो पवन कहते कि वो लड़कियों से बोलते नहीं है, बात करते वक्त हिचकते हैं, लेकिन क्या आपको वीडियो में दिख रहा है कि पवन अरु से हिचकते हैं लेकिन बाकी लड़कियों से नहीं हिचकते हैं? अब इनके बीच प्यार ही है, तभी तो पवन अरु एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते हैं। वीडियो में पवन साइली का फोन बड़े हक से लेकर वीडियो बनाने लग जाते हैं। पवन बताते भी हैं, पवन वीडियो में कहते हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि ये फोन किसका है? इतने पर मोहम्मद दानिश आ जाते हैं और वो बताते हैं कि ये फोन साइली का है। साइली भी पीछे से चिल्लाती है कि मेरा फोन मुझे दे दो। उसके बाद तो पवन साइली के पास जाकर उन्हें हक करते हुए पोज देते हैं, जो देखकर अजीब इसलिए लगता है क्योंकि पवन अरु से इतनी बात नहीं करते हैं जितनी वो साइली से फ्रैंक होते नजर आए। उसके बाद साइली पवन के हाथ से फोन छीन लेती है और वो बताती है कि वो पहली बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई है और यहाँ अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही हैं। और जितना उनके पास टाइम था उतने में उन्होंने एयरपोर्ट की खूबसूरत चीजें दिखाई। साइली शॉपिंग एरिया के साइड भी जाती हैं और अरु को बुलाती हैं। उसके बाद साइली कहती है कि मैं चाय पीऊंगी। साइली कहती है कि चाय पी लो फ्रेंड्स। अरु से पूछती है क्या वो चाय पियेंगी। अरु क्यूट मुंह बनाकर कहती है कि हाँ, मैं चाय पीऊंगी और पवन को भी पिलाऊंगी। अरु पवन के पास चाय लेकर जाती हैं और क्यूट अंदाज में बच्चों की तरह बोलती हैं कि चाय पी लो। पवन अरु के इस क्यूट नेचर पर फिदा हो जाते हैं और फिर तो हर तरफ पवन अरु की चर्चाएं होने लगती है। पवनदीप अरुणिता का एक क्यूट वीडियो सामने आया है जिसने फैंस को मोहब्बत करना ही नहीं सिखाया बल्कि उसकी कदर रिस्पेक्ट करना भी बताया। जी हाँ, पवन ने आज बता दिया कि किसी को पाना ही मोहब्बत नहीं होती है बल्कि उसकी रिस्पेक्ट और केयर करना भी मोहब्बत है। वैसे तो पवन अरु दोस्त ही हैं और ये बात उन्हें कई बार साबित भी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी फैंस यकीन नहीं करते।
फैंस नहीं यकीन करते कि ये दोनों दोस्त हैं। फैंस चाहते हैं कि इन्हें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। अब इनकी जो वीडियो सामने आई है उसे देखकर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि ये दोस्त नहीं बल्कि इनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर पहुँच गया है। दरअसल हुआ ये कि मंजूर दिल गाने की लॉन्चिंग के वक्त पवन अरुण सुबह सुबह स्टूडियो पहुंचे थे। इस बीच अरुण साड़ी पहनकर गईं। लोगों की नजरें उन पर से हट नहीं रही थी। सभी लोगों ने अरुण की तारीफ की और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पवन अरुण को छेड़ भी रहे थे। ऐसे में आशीष कुलकर्णी जिन्होंने पवन अरुण के पास जाकर उन्हें बधाई दी और अरुणिता से हाथ मिलाकर कुछ ऐसी बात कही कि अरु को हंसी आ गई और वो नजरें झुकाकर शर्माने लगी। ऐसे में पवन को अजीब लगा और वो फौरन सब कुछ छोड़कर अरु के पास पहुंच गए। जी हाँ, पवन को लगा कि अरु ठीक महसूस नहीं कर रही है तो वो फौरन अरु के पास पहुंच जाते हैं और आशीष कुलकर्णी के सवाल का जवाब देते हैं। पवन के पहुंचते ही अरु फ्रैंक हो जाती है और हिचकने के बजाय एकदम बिंदास होकर बोलना शुरू कर देती है। पवनदीप और अरुणिता का पहला रोमांटिक गाना मंजूर दिल रिलीज हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात पवन अरुण फैंस के दिल में खास जगह नहीं बना पाए। जी हाँ, इस गाने की वजह से पवन अरुण को निराश होना पड़ा। कई कमियां देखी गईं, जिसने फैंस को निराश कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से फोटोज में इनका नेचुरल प्यार दिख रहा था वो गाने में महसूस तक नहीं हुआ, बल्कि गाने में इनकी केमिस्ट्री आर्टिफिशियल और फेक लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पवन अरुण रोमांस कर रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती गाने में रोमांस की एक्टिंग कर रहे हैं। इनका कपल वाला अटैचमेंट कहीं से भी नजर नहीं आया और इससे भी बड़ी कमी ये दिखी कि इनके गाने को रिलीज हुए कई घंटे बीत चुके लेकिन उस तरह से व्यूज नहीं मिले जो मिलना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से फैंस पहले से एक्साइटेड दिखे वो गाना देखकर उनका मूड ऑफ हो गया। इनके अलावा दोनों के कपड़ों को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि वीडियो में कई बार अरुणिता ड्रेस की वजह से कंफर्ट नहीं दिखाई दी। ऐसे में सवाल ये भी था कि अगर वो इन कपड़ों में खुद को कंफर्ट नहीं महसूस कर रही थी तो उन्हें ये ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी। ऐसी कई सारी गलतियां देखी गई जिसकी वजह से पवन अरु का ये गाना फ्लॉप हो सकता है। वैसे अगर पवन अरु के फैंस उनके साथ हैं तो उनका ये गाना फ्लॉप होकर भी हिट हो जाएगा। जी हाँ, अगर पवन अरु के फैंस चाहेंगे तो उनकी किस्मत चमका सकते हैं। उनके इस गाने को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें ताकि पवन अरुण को भी पता चले कि वो अकेले नहीं है, उनके फैंस का प्यार और सपोर्ट उनके साथ है। तो अगर अब तक आपने उनका ये गाना नहीं देखा तो देर मत करिए,